जिले में 61वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन समारोह बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा 61 वर्ष पूर्व 1956 में चंद्रपुर की ऐतिहासिक धरती पर कदम रखकर लाखों लोगों को दी गई धम्म दीक्षा के अविस्मरणीय क्षणों को याद करते हुए यहाँ प्रतिवर्ष दीक्षा भूमि में धम्म चक्र अनुप्रवर्तन समारोह आयोजित किया जाता है। दीक्षा भूमि पर भक्तों के लिए विभिन्न आयोजन किए गए थे, जहां बौद्ध अनुयायियों की भीड़ जुटी, तो वहीं प्रतिवर्ष इस पावन मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस कमेटी की ओर से भक्तों के लिए भोजन दान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके नेतृत्व में भोजन दान का कार्यक्रम रखा गया था। इस भोजन दान का सैकड़ों अनुयायियों ने लाभ उठाया। इसमें पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, युवा नेता राहुल पुगलिया, श्री गौरव के अध्यक्ष कुशल पुगलिया, जिलाध्यक्ष गजानन गावंडे, नगर सेवक अशोक नागपुरे, अविनाश ठावरी, प्रवीण पड़वेकर, देवेंद्र बेले आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। मान्यवरों के हाथों अनुयायियों को भोजन दान किया गया। इस समय श्री पुगलिया ने धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की महत्ता बताते हुए 61 वर्ष में पूरे देश में हुए परिवर्तन, शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में बुद्ध समाज के माध्यम से जनता तरक्की कर रही है। यह तरक्की ऐसे ही होती रहे, देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शिका संघटित भा आणि संघर्ष करा, इस आधार पर जनता सामाजिक समता के माध्यम से आगे आ रही है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है। ऐसे विचार व्यक्त करते हुए श्री पुगलिया ने सभी का धन्यवाद माना, साथ ही सभी बौद्ध अनुयायियों को धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं दी।